कोटड़ा तहसील के दो ग्रामीण किसान भीमा गमेती और साहिबा गमेती एडवोकेट नरेंद्र जोशी के माध्यम से राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा कोटड़ा के राजीव तत्समय केशियर और बैंक प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या है आखिर यह पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। कोटड़ा निवासी भीमा गमेती नामक व्यक्ति का बचत खाता राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा कोटड़ा में है। पीड़ित अशिक्षित किसान है जिसके द्वारा अपने बैंक खाते का अंगूठा लगाकर संचालित किया जाता है। भीमा गमेती ने 13 नवंबर 2016 को 45,000 रुपया नगद विपक्षी बैंक में जमा करवाया था, जिसके पश्चात पीड़ित द्वारा 5,000 की राशि सिर्फ 4 बार ही विड्रॉल की गई। लेकिन पीड़ित के पुत्र लिम्बाराम द्वारा बैंक स्टेटमेंट देखने पर पता चला कि पीड़ित के बैंक खाते से 5,000 रुपए की विड्रॉल की गई। कुल 7 एंट्रिया दर्ज है। इस पर पीड़ित द्वारा 4 मई 2018 और 5 मई 2018 को लिखित शिकायत विपक्षी बैंक को दी, लेकिन विपक्षी बैंक द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पीड़ित द्वारा वैध राशियां विड्रॉल की गई, तब बैंक के कैशियर के पद पर राजीव थे और यह धोखाधड़ी और जाली अंगूठे लगाने का कार्य उन्हीं के द्वारा किया गया है। आखिर क्या यह बैंक द्वारा ग्रामीण के साथ धोखाधड़ी का पूरा मामला, आइए इस व्यक्ति के अधिवक्ता की जुबानी सुनिए। आरोप सर निराधार बिल्कुल इसलिए नहीं होंगे, कारण ये है कि अगर आरोप निराधार मानता है वो जो आरटीआई का सेटिस्फेक्शन जवाब देते। दूसरी बात ये है कि उस व्यक्ति के बैंक में पैसा गया है, और दूसरी बात आरोप को निराधार कहने का कारण ये है कि श्री राजीव करके जो कर्मचारी है, इन पीड़ितों से जिनसे आप बात करोगे, इनसे चाय की दुकान पे मिलता है, इनसे कोरे कागजों पे अंगूठे लेते हैं, जिसमें वो अपने क्षेत्र के एक राजनीतिक सरपंच को बुलाते हैं। और अगर मेरा आरोप गलत है तो क्यों मेरे नोटिस देने के बाद उन व्यक्तियों को व्यक्तिशः मिलके उनके अंगूठे लगवा के उस कागज को संबंधित बैंक मैनेजर शामिल पत्रावली करता है? अगर उनका काम फेयर था तो इस तरीके से जवाब देते, बाद में कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं करते। कुल मिलाकर इनका जो कृत्य है कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, आईपीसी की धारा 120B, 420, 406, 467, 468 और 471 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। साथ ही इस मामले में मैं भारतीय रिजर्व बैंक से और आलाकमान से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में गहरी जांच करके ऐसे और